हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने बिग बॉस 13 को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा बिग बॉस के सबसे जो क्यूटेस्ट कपल थे उनमें आसिम रियाज और हिमांशी खुराना थे। सो गाइस, अगर आप इनके फ़ैन हैं और इनके किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज हम इसी बारे में बताने वाले हैं। सो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं आसिम रियाज और हिमांशी खुराना यानी आसिमांशी के अपकमिंग सॉन्ग के बारे में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर दें। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हर पिक्चर में जिसमें हिमांशी खुराना और आसिम रियाज जो कि लवली कपल हैं वो एक दूसरे में हमेशा खोए हुए नज़र आते हैं और एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। सो गाइस, आपको बता दें कि इन दोनों के जितने भी फैंस हैं इन दोनों के अपकमिंग सॉन्ग के लिए या किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि साथ में ये दोनों नज़र आएं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। सो गाइस, आज हम आपको इनके अपकमिंग सॉन्ग के बारे में बताने वाले हैं और इनके अपकमिंग सॉन्ग का नेम भी रिवील करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि आसिम रियाज का बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक सॉन्ग आया है मेरे अंगना में, जो कि सिर्फ 22 घंटों में 17 मिलियन प्लस व्यूज उसके यूट्यूब पे हो चुके हैं और वो अभी सेकंड पे ट्रेंड कर रहा है। सो गाइस, ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सिर्फ 22 घंटे में उसके सॉन्ग जो हैं वो 17 मिलियन जैसे हाई व्यू पा जाएँ और ट्रेंड करने लगे। सो गाइस, आपको बता दें कि ये दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मेरे अंगना में सॉन्ग जो है वो होली से रिलेटेड है और वो अभी सुपर डुपर हिट हो रहा है। आपने उस सॉन्ग को देखा? अगर नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का जो सॉन्ग आने वाला है उसका सॉन्ग है तू कल्ली सोनी है। बेसिकली ये पंजाबी सॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसकी शूटिंग हरियाणा में हुई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा लुक हिमांशी और आसिम का बेस्ट था। थैंक यू, टेक केयर, बाय।